CFSI यानी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स एंड एनिमेशंस बनाने का काम करती है। CFSI का निर्माण 1955 में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था, बिकॉज फूल भाता था उन्हें गुलाब और बच्चों से था खूब लगाव, एंड उन्ही बच्चों के लिए एक ट्रिब्यूट था चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया। 1955 से लेकर आज तक CFSI ने ढेर सारे इंस्पायरिंग फिल्म्स एंड एनिमेशंस प्रोड्यूस किए हैं और उन्हीं में से एक एनिमेशन शो है क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय, जिसके बारे में आज हम A to Z सब कुछ अच्छे से जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। यदि आप किसी जापानीज एनिमे को देखते हो तो उसे देख के कहीं ना कहीं आप जापानीज कल्चर्स के बारे में भी बहुत कुछ जान जाते हो। लाइक जापान के इतिहास में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, वह खाने में क्या खाते हैं, एसेट्रा एसेट्रा जैसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानने को मिलता है। बट यदि इंडियन एनिमेशन की बात करें तो उनमें इंडियन कल्चर को यदि दिखाया भी जाता है ना, तो वो नाम मात्र यानी ना के बराबर होता है, या फिर इसका एकदम उल्टा सही चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इन कार्टून्स को देखकर आप अपने आप बता दोगे कि इनमें किस तरह से ओरिजिनल स्टोरी को बिगाड़कर फालतू का मसाला भर के बच्चों को दिखाया जाता है। बट इन कार्टून्स के अलावा कुछ ऐसे इंडियन कार्टून्स भी हैं जो सच को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर हमें सच में इंडिया और इंडिया के कल्चर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और उन्हीं कुछ कार्टून्स में से एक और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कार्टून है क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय। जैसे हैरी पॉटर एक मूवी सीरीज है, ठीक वैसे ही क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय भी एक एनिमेटेड मूवी सीरीज है जिसके अब तक टोटल 8 मूवीज बन चुकी हैं, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। यदि आप इन मूवीज को एक लाइन से देखना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट animationvibes.com पर जाकर देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इसका हर एक मूवी लगभग 60 मिनट का होता है, जिसमें क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय मिलकर बारी बारी से भारतीय संस्कृति से जुड़ी 3 अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, जो कि हमेशा भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी होती है। क्रिश एक मंकी है जो हमेशा अपनी चालाकियों से बाल्टी बॉय को परेशान करता रहता है, प्लस अपने स्लैपस्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर से ये दर्शकों को हंसाने का काम भी करता है। बाल्टी बॉय एक डोंकी है जो कि बहुत स्लो और भोला है, बट पूरा डम भी नहीं है, जस्ट सिंपल सादा सरल कैरेक्टर है। एंड फाइनली त्रिश एक कैट है जो कि सबसे वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड होती है, एंड पूरे शो में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट त्रिश को ही दिखाया गया है। इन तीनों के द्वारा सुनाई गई कहानियां मुख्य रूप से भारतीय फोक आर्ट्स यानी लोक कला से जुड़ी होती हैं। इट मींस वो प्राचीन कहानियां जिनकी उपज भारत से हुई और जिसे कभी भारतीय कलाकारों ने अपने हाथों से एक सीरीज में चित्र बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया। जैसे क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय मूवी 1 में 3 कहानियां देखने को मिलती हैं, राजस्थान, केरल और पंजाब के क्षेत्रों से। वेल, मुझे इस मूवी का थोड़ा और वाला स्टोरी हमेशा याद रहता है, जिसका मॉरल है कि आपको आपकी जिंदगी में जितनी चीजें मिली हैं उन्हीं में खुश रहना सीखो, क्योंकि यदि आप हमेशा ज्यादा की मांग करते रहोगे तो आप हर वक्त दुखी और परेशान ही रहोगे। एंड इस चीज को केरल राज्य से उपजे इस स्टोरी ने बहुत अच्छे से कन्वे किया है, जिस मॉरल को KTB के एनिमेशन को देखकर एक छोटा बच्चा भी अच्छी तरह से समझ सकता है। आफ्टर ऑल मैं भी तो तब एक छोटा बच्चा था जब मैंने ये मूवी देखी थी। एक चीज जो सबसे अच्छी है वो है इन सभी कहानियों के कैरेक्टर्स का उनके लोकल लैंग्वेज में ही बोलना। सच में यार, क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय के क्रिएटर्स ने सिर्फ भारतीय लोक कला ही नहीं बल्कि भारतीय भाषा, पहनावा, खान पान, हर एक चीज को बहुत बारीकी और सुंदरता से एनिमेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो चलो जानते हैं KTB के उन लेजेंडरी क्रिएटर्स के बारे में। क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय द बैक स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि 1956 में अमेरिका के एक एनिमेटर क्लेयर वीक्स ने इंडिया आकर श्री राम मोहन जी को एनिमेशन सिखाया था, जो कि पूरे इंडिया के सबसे पहले एनिमेटर बने, और आज श्री राम मोहन जी को गॉड फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। नाउ मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि श्री राम मोहन जी आगे चलकर साल 2002 में एक एनिमेशन स्टूडियो ग्राफिति मल्टीमीडिया के डायरेक्टर बन गए। हाँ, तो इसमें खुशी की क्या बात है? वेल, खुशी की बात ये है कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया ने क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय को बनवाया था, बनाया नहीं था, क्योंकि उसे बनाने का काम ग्राफिति मल्टीमीडिया कंपनी ने किया था। साल 2005 में मुंजाल श्रॉफ एंड तिलक राज शेट्टी ने मिलकर इंडियन फोक आर्ट्स पर रिसर्च करना शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने क्रिश त्रिश एंड बाल्टी
पार्टी बॉय का कॉन्सेप्ट बना के उसका एक फुल लेंथ मूवी तैयार किया, जिसे साल 2009 में कार्टून नेटवर्क चैनल पर रिलीज किया गया। मुंजाल श्रॉफ कहते हैं कि फोक आर्ट्स के ओरिजिनल पेंटिंग्स के सोर्सेज को जमा करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा, और क्योंकि हम सभी आर्टवर्क को डिजिटल रूप से हाई रिजोल्यूशन के साथ फिर से बनाते हैं, इसीलिए हमें हाईएस्ट क्वालिटी पर सभी ओरिजिनल आर्टवर्क्स तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी कलाकृतियों को डिटेल में स्टडी कर सके। एंड अपने रिसर्च के दौरान श्रॉफ कहते हैं उन्हें एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का पता चला है। हमें पता चला है कि भारत की 90% लोक कलाएं पहले ही मर चुकी हैं और सिर्फ मुट्ठी भरी बची हुई हैं, जिनमें मुगल मिनिएचर, मधुबनी एंड गोंड फोक आर्ट शामिल हैं। साल 2009 में क्रिस थ्रेशन बाल्टी बॉय की फर्स्ट मूवी रिलीज की गई और 2010 में सेकंड मूवी, जिन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा में भी डब करके इंटरनेशनली बहुत से देशों में रिलीज किया गया। और इन दो मूवीज ने ही वर्ल्ड वाइड लोगों पर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि 2012 में क्रिस थ्रेशन बाल्टी बॉय मूवी 2 को 21st केरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट चिल्ड्रंस एनिमेशन फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। यदि आपको नहीं पता तो बता दूं कि CIFF यानी केरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ्रीका के इजिप्ट में हर साल आयोजित किया जाने वाला दुनिया का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें दुनिया भर के फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स और एक्ट्रेस में से बेस्ट को अवार्ड दिया जाता है। सो ऑब्वियसली बात है कि इसमें नॉमिनेशन पाना ही बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे क्रिस थ्रेशन बाल्टी बॉय ने 2012 में कर दिखाया। एंड नॉमिनेशन मिलने के बाद मुंजाल श्रॉफ ने कहा कि हम सच में बहुत एक्साइटेड हैं ये जानकर कि KTB 2 को इजिप्ट के बच्चों को दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे हमारे देश के लोक कला और लोकगीत दोनों के बारे में वहां के बच्चों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और KTB के को डायरेक्टर तिलक राज शेट्टी ने नॉमिनेशन के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें जीतना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं इन फिल्मों को उन बच्चों के साथ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय कहानियों, कला और संस्कृति को देखने के बाद उन बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। मुझे नहीं पता कि KTB 2012 के इस फिल्म फेस्टिवल में जीता या नहीं, बिकॉज कहीं भी मुझे सोर्सेस नहीं मिले हैं और मैं हवा में यूं ही तो नहीं फेंक सकता ना। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि क्रिस थ्रेशन बाल्टी बॉय की मूवी सीरीज को बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय मुंजाल श्रॉफ एंड तिलक राज शेट्टी को जाता है। आगे चलकर तिलक शेट्टी ने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ डिज्नी इंडिया के लिए एक कार्टून शो बनाया जिसका नाम योम है। योम एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास जानवरों की पावर्स को अडॉप्ट करने वाली सुपर हीरो एबिलिटीज हैं, जिनको वो विलन से लड़ते वक्त फाइटिंग टेक्निक्स में यूज करता है। सो इस शो को भी आप हाल फिलहाल यूट्यूब पर देख सकते हो, क्योंकि टीवी पर आई डोंट नो इसकी टाइमिंग क्या है। वैसे मुझे इस बात का दुख है कि इतना अच्छा एनिमेशन सीरीज आज के टाइम में इतना ज्यादा अंडररेटेड है, मतलब इसके नाम का एक विकिपीडिया पेज तक नहीं बना हुआ है और ऑनलाइन ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसीलिए जिस तरह मुंजाल श्रॉफ एंड तिलक राज शेट्टी ने KTV को बनाने के लिए बहुत मुश्किल से सोर्स जमा किया था, जिसमें 90% सोर्सेस तो खत्म ही हो चुके थे, उसी तरह मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मुश्किल से सोर्सेस मिले थे, जिनमें 90% सोर्सेस तो खत्म भी हो चुकी होंगी, क्योंकि किसी ने भी इंटरनेट पर इस शो के बारे में ज्यादा कुछ बात ही नहीं की है। और सोचने वाली बात यह है कि जब इस एनिमेशन को बनाया गया था, तब इंडिया में एनिमेशन का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था, प्लस इस लेवल के क्वालिटी एनिमेशन को कोई इंडियन एनिमेशन स्टूडियो बनाने की सोच तक नहीं सकता था। बट फिर भी क्रिस थ्रेशन बाल्टी बॉय को इंडियन किड्स चैनल ने उतना हाईलाइट नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था, और आज भी टीवी पर इस शो को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा, जिसके फलस्वरूप हमारी आज की न्यू जनरेशन एक बहुत मस्त इंडियन एनिमेशन शो को देखने से मिस कर रही है। कम से कम सभी मूवीज को 20-20 मिनट्स में डिवाइड करके कार्टून नेटवर्क को इस सीरीज को वीकली बेसिस पर एक शो के रूप में टीवी पर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। एट लास्ट आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस अमेजिंग मूवी सीरीज फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।